नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। अब वक्त हो चला है अपराध जगत से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों का। अमेठी में मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के कास्तूरी पश्चिम गांव के हाईवे पर भाई के साथ लेके जा रही महिला को उसके पति और बेटे ने गोली मार घायल कर दिया। बता दें कि दोनों घायलों को CHC में एडमिट कराया गया था। अमेठी में थाना रामगंज पुलिस ने देवी प्रसाद मिश्रा नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 1050 नकद के साथ अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और 12 बोर बरामद किया गया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान में प्रदर्शनी देखने पहुंचे युवकों ने स्टाफ को पीट दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लगभग आधा दर्जन लड़कों को गिरफ्तार किया है। अमेठी में थाना जायज पुलिस ने धर्मेंद्र कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। अमेठी में थाना जायज पुलिस ने इकबाल नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किया गया। अमेठी में थाना फुर्सतगंज में असलम नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। अयोध्या में रुदौली के रसुलपुर मजरे हयात नगर गांव में मजदूरी करने आया युवक मालकिन के साथ 50,000 नकदी, बाइक और जेवरात लेकर फरार हो गया। बता दें कि पीड़ित पति ने पुलिस से शिकायत कर आरोपी पर अपनी पत्नी को भगा ले जाने का मुकदमा भी दर्ज कराया है। अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में एक युवक से रोजगार मेले में कंपनी ने नौकरी के नाम पर ठगी की। पता चलने पर पीड़ित युवक ने अयोध्या सेवा नियोजन कार्यालय जाकर मामले की शिकायत की। अयोध्या में सुभाष नगर से चौक मार्ग पर थार ने कई वाहनों और लोगों को टक्कर मार दी। पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। बहराइच में थाना जरवल रोड पुलिस ने वारंटी ज्ञानी को गिरफ्तार कर लिया। ज्ञानी पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बहराइच में थाना मूर्तिहा पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। बहराइच में थाना मूर्तिहा पुलिस ने दीपक नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। बहराइच में थाना मूर्तिहा पुलिस ने विवेक शुक्ला नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की गई। बरेली में भितरी चैनपुर थाना क्षेत्र के बड़ा बाईपास पर ट्रक ने कार और 2 बाइकों को टक्कर मारी, जिससे बाइक सवार और कार सवार घायल हो गए। बता दें कि यह हादसा चौराहे पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गया है। मुरादाबाद के थाना मझोला क्षेत्र में भाजपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी अनुज चौधरी की सोसाइटी में टहलते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंचे SSP ने घटना का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। आपको हमारी खबरें कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप इन खबरों को फेसबुक पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इन खबरों से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।